हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटेंसी लर्निंग मेड इजी। बेटा दिस इज अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 48 तक करवा दिया था। टॉपिक क्या है आपको, फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। आज भी मैं वही टॉपिक करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 49 डीके गोयल की बुक का। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना। Alight Limited invited application from the public for 5 lakh equity shares of 10 each at rupees 11 per share. कि कंपनी है जिसका नाम Alight Limited है, इनवाइट कर रही है पब्लिक को 5 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। 10 रुपए वाला शेयर जो है कंपनी 1 रुपया प्रीमियम पर, क्योंकि 11 रुपए में इशू कर रही है तो 1 रुपया प्रीमियम हो गया। द पेमेंट हैज टू बी मेड एज फॉलोज, 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 4 ऑन कॉल। इसको समझ लो कि 10 रुपए का बेटा शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम है, तो प्रीमियम समेत जो है शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 11। तो इसमें क्या बताया गया, जो एप्लीकेशन बनी है बेटा वो हमारे पास कितनी है, 3 रुपीज है। तो लिख लीजिए एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट लिखा बेटा अलॉटमेंट 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, 1 रुपया इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो बिना प्रीमियम के कितनी होगी अलॉटमेंट, 3। उसके बाद हमें कॉल दे रखी है, कॉल का नाम नहीं है, इसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह देंगे। तो ये कितनी दी हुई हमें, 4। अगर आप प्लस करके देखो, 3 + 4 = 7 + 4 = 11, तब भी बन जाता है। अगर आप इसको गिनो, 3 + 3 = 6 + 4 = 10, तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपीज है। एप्लीकेशन फॉर 6,50,000 शेयर पर रिसीव्ड, ये कौन सी सिचुएशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन। हमें कैसे पता चला, क्योंकि कंपनी ने 5 लाख शेयर इश्यू किया है, पब्लिक कितने चाहती है, 6,50,000 शेयर चाहती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वर मेड एज फॉलोज, 100% शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑफ 4 लाख शेयर्स, कि जो एप्लीकेंट 4 लाख शेयर्स मांगते हैं उनको सारे के सारे दे दिए, 100% मीन 4 लाख शेयर्स ही दे दिए। 50% शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख शेयर्स, जो जिन्होंने 2 लाख शेयर्स मांगे एप्लीकेंट्स को, हमने 50% मतलब कि 1 लाख दिए। नो अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर, कोई अलॉटमेंट नहीं की 50,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेंट्स ने भेजा है, यानी कि उनको हमने क्या कर दी, उनकी मनी रिफंड कर दी। आगे क्या लिखा हुआ, अ शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 कौन सी है, वो बोली है कि 4 लाख को 4 लाख दिए। पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, कि इसका मतलब यह है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ ही क्या दे दिया, कॉल मनी दे दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एडवांस। अब देख सकते हो कि कॉल इन एडवांस कितनी होगी, इसको समझ लो कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के टाइम क्या दे दिया, कॉल दे दी। कॉल मनी कितनी बेटा, 4 रुपीज है, तो 2,000 एडवांस आ गए। ये कैसे करना है जब एंट्री बताऊंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस की, वो उसमें भी मैं फिर समझा दूंगी कि ये एंट्री होगी। और कॉल इन एडवांस को फिर हम कब एडजस्ट करेंगे, जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे उसमें। तो अब क्या कहा गया, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने कॉल मनी नहीं दी, कॉल मनी 4 रुपीज, 1,000 × 4, फर्स्ट कॉल कितनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी नहीं आई, 4,000 नहीं आई। इस शेयर वर फॉरफिटेड एंड 800 ऑफ दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली वी शुड एज फुल्ली पेड अप एट रुपीज 8 पर शेयर। फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो हमने क्या करनी है, 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की करनी है, 2 एंट्री हमने अलॉटमेंट की करनी है, 2 ही फर्स्ट कॉल की करनी है, उसके बाद फॉरफिटर की एंट्री करेंगे। उसके बाद हमारे जो रीशू हुए हैं 10 वाला शेयर 8 रुपए में, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ध्यान रखना, उसको 8 में किया तो कंपनी को लॉस हुआ। रीशू की एंट्री करेंगे, लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी बेटा, लास्ट एंट्री हमारी होगी शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व। तो इसको कैसे करना है, अब आपको ये पता चल गया बेटा कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो आपको याद होगा मैंने जब ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आ जाती है तो मैं आपको एक कैलकुलेशन टेबल सिखाती हूँ, वही हम वर्किंग नोट में बनाएंगे। लिख लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 49, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन टेबल। सबसे पहले शेयर अप्लाइड फॉर, कितने अप्लाई किए हैं पब्लिक ने। अगला कॉलम है शेयर अलोटेड फॉर, फिर एक्सेस जो फालतू आए हैं, फिर मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट पर कितनी मनी एडजस्ट हो गई है। उसके बाद अगला कॉलम बनेगा बेटा रिफंड का, जिनको हमने मनी वापिस कर दी है एप्लीकेंट्स को। तो आप सबसे पहले देखिए अप्लाइड कितने हैं, जो पब्लिक चाहती है
पब्लिक चाहती है 650,000 शेयर्स, ठीक है। उसके पास कंपनी कितने इशू कर रही है बेटा, 5 लाख शेयर इशू कर रही है। ये तो समझ आ गया होगा कि अलॉटेड हमने वो लिखना है जो इशू किए हैं कंपनी ने शेयर्स पब्लिक को देने के लिए, इनवाइट किए हैं, ठीक है। अब आप देखो तीन तरह के एप्लीकेंट्स हैं। एक एप्लीकेंट जिनको 4 लाख शेयर चाहिए मांग रहे हैं, उनको 100% का मतलब कहते हैं 4 लाख 100% 4 लाख ही होता है, तो उनको सारे के सारे शेयर दे दिए गए हैं, तो कुछ भी फालतू नहीं आया। फिर एक कैटेगरी क्या है, 2 लाख का 50%। आप करके देखो 2 लाख का 50% तो 1 लाख आता है ना, तो कितना एक्सेस आ गया 1 लाख। ये पॉइंट हमेशा मैं एंड में बताती हूँ। अब बात करते हैं अभी रिफंड के बारे में। रिफंड किनको किया है 50,000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया, रिफंड कर दिया कि इनको कुछ भी नहीं दिया। तो जो कुछ नहीं दिया तो उनको उनकी मनी वापस कर देंगे 50,000 इन लो। एप्लीकेशन मनी बेटा 4 रुपीज है, 2 लाख, समझ आ गए। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 लाख। अब आती है बात किसकी, ये जो मैंने बोला 1 लाख की। अब जो एप्लीकेंट्स चाहते थे 2 लाख शेयर्स, उनको 1 लाख दिए हैं, तो एक्सेस कितनी आ गई 1 लाख के ऊपर, एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई। तो 1 लाख इन टू अगर आप 4 करते हो, 4 क्योंकि एप्लीकेशन मनी है, 4 लाख बनती है। अब आप देखिए अलॉटेड शेयर कितने बेटा, 1 लाख शेयर अलॉटेड है, ये वाले 1 लाख। अलॉटमेंट मनी कितनी है, प्रीमियम समेत देखनी है आपने, प्रीमियम सॉरी 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी है आपकी, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख आ गया। दोबारा समझो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर भी बेटा 3 रुपीज है, 50,000 इंटू 3 1 लाख 50,000। इस पॉइंट को दोबारा समझ लो कि जो एप्लीकेंट्स चाहते हैं कि हमें 50,000 शेयर मिले, उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, इट मीन्स उनकी 3 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन वाले क्या कर दी है, वापिस कर दी है, तो आ गया 1 लाख 50,000, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारे पास जो एक्सेस मनी आई है 1 लाख शेयर्स के ऊपर, 3 रुपीज एप्लीकेशन के 3 लाख आ गए, लेकिन हमारी जो अलॉटमेंट है प्रीमियम से लेकर 4 रुपए है, तो हमें चाहिए कितने 4 लाख, और एडवांस कितने आया 3 लाख, तो हम लिख लेंगे 3 लाख, क्योंकि आए ही एडवांस कितने 3 रुपीज आए हैं पर शेयर के हिसाब से। 1 लाख जो एक्सेस वाले उनको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 लाख आ जाएगा। ये मनी हमने कहाँ एडजस्ट कर दी है, अलॉटमेंट में। क्लियर हो गया, समझ आ गया टेबल। इस टेबल में मैंने क्या बताया, तीन तरह की कैटेगरीज हैं। एक एप्लीकेंट वो वाले जो शेयर्स चाहते हैं 4 लाख सारे के सारे दे दिए 100%, यानी 4 लाख के 4 लाख, कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, फुल अलॉटमेंट की। और दूसरी कैटेगरी है 2 लाख वाली, जिनको हमने 50% मीन 1 लाख शेयर दिए हैं, 1 लाख एक्स्ट्रा आ गए हैं, फालतू आ गए, तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपए फालतू आई है, 3 लाख रुपए आ गए, माइनस कर देंगे जो हमें चाहिए। देख के पहले देखते हैं हम कितने चाहिए, 1 लाख इंटू 4 लाख 4 लाख, तो अब हमारे पास आए ही 3 लाख है, तो हम 3 लाख एडजस्ट करेंगे, 4 लाख नहीं करेंगे। वैसे भी एप्लीकेंट ने क्या कर दिया, एडवांस पे कर दिया है। अब तीसरी कैटेगरी है जिन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे एप्लीकेंट्स ने, पर कंपनी ने कोई भी शेयर नहीं दिए, तो 50,000 का 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी 1 लाख 50,000 क्या कर देंगे, उनको रिफंड कर देंगे। अब बनाएंगे हम जनरल। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया देख लीजिए, सिर्फ जनरल पूछा है, कोई कैश बुक नहीं पूछी, तो हम सारी एंट्रीज क्या करेंगे, जनरल में करेंगे। कंपनी का नाम है एलाइट लिमिटेड, तो फॉर्मेट बनाएंगे जनरल ऑफ एलाइट लिमिटेड, जनरल ऑफ एलाइट लिमिटेड। ये याद रखना जो पहली 2 एंट्रीज होती है ना बेटा, कौन सी एप्लीकेशन वाली, तो उसके अंदर हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अप्लाइड शेयर से करते हैं, बाकी जो एंट्रीज होती है ना, चाहे अलॉटमेंट की करें चाहे कॉल्स की करें, वो हमेशा जितने कंपनी ने क्या किए हैं, इनवाइट किए हैं, इशू करते हैं जिसको, वो उससे मल्टीप्लाई होता है। अब लिखेंगे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर बेटा अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, अप्लाइड है 6,50,000, तो उसको एप्लीकेशन मनी से आपने क्या करना है, मनी मल्टीप्लाई करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, 5 लाख शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इनवाइट थी उससे नहीं करना, क्योंकि एप्लीकेशन मनी किसके ऊपर आई होगी, 6,50,000 शेयर के ऊपर आई होगी। तो आप एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
ठीक है, शेयर्स देखिए कितने हैं बेटा, 6,50,000 है ना, जो अप्लाई किए हैं पब्लिक ने, कितनी मनी है 3 रुपीज, ठीक है, 1,95,19,50,000 डरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है। अब बात करते हैं बेटा जो एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफर करते हैं, सेकंड एंट्री हमारी थोड़ी बड़ी एंट्री होगी, ये कब होती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो, लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अलॉटमेंट एडवांस आ गई है, हमने एडजस्ट की थी अभी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ बनी हमने एप्लीकेंट्स को क्या कर दी थी, वापिस कर दी थी, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये पॉइंट समझने वाला है बेटा, क्या आपने 19,50,000 रिसीव की थी, 6,50,000 इंटू 3, तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर 19,50,000। एक्चुअल में कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो कंपनी ने इनवाइट किए हैं, 5 लाख है, 5 लाख इंटू 3 कर दो, 5 लाख इंटू 3, ठीक है, 15 लाख आ जाएगा शेयर कैपिटल में। उसके बाद अभी आपको मैंने अलॉटमेंट जो है एडजस्ट कराई थी, 1 लाख इंटू 3 लाख आ जाएगा, और रिफंड कितना किया था आपने, आपने 50,000 इंटू 3 1,50,000 किया था। अब अगर आप टोटल करके देखेंगे आपको वही आएगा कितना, 19,50,000। बीइंग लिखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी क्या कर दी गई है, एडजस्ट कर दी गई है। अब इसके बाद हम एंट्री कौन सी करेंगे, ड्यू करने की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी की, तो लिखिए बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर, क्या बोल रही हूँ मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमारे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप देखिए 5 लाख शेयर्स हैं और 4 रुपीज जो है हमारी अलॉटमेंट मनी है, 5 लाख इंटू 4 20 लाख, 5 लाख इंटू 3 अगर हम करें तो 5 लाख इंटू 3 क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज है, 1 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपए हमारे किसके हैं, बिना प्रीमियम के 3 रुपीज है अलॉटमेंट के, 15 लाख, 1 रुपये वाला 5 लाख इंटू 1 प्रीमियम है, तो आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी अलोंग विद, लिखो अलोंग विद प्रीमियम मनी, प्रीमियम मनी ड्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री। अब बेटा हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये समझने वाला है, साथ में मैं क्या बोलूंगी, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि किसी पर्सन ने जिसके पास 500 शेयर है कॉल मनी एडवांस दे दी है, ठीक है, पहले समझ लेना क्या आपने ड्यू कितने किए थे अलॉटमेंट के, 20 लाख है ना। अब उसमें से हम 3 लाख माइनस कर देंगे, कौन से, जो हमें एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट के आगे थे, 17 लाख हो गया, प्लस 500 शेयर्स के ऊपर हमें जो आई है 4 रुपीज कॉल मनी 2,000, हम क्या कर देंगे
ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17,02,000। ये अमाउंट कहाँ डालेंगे हम बैंक में, 17,02,000। क्लियर हो गया, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट में कितना डालेंगे हम, 17,00,000 डालेंगे, ठीक है। और इसमें कितना डालेंगे, कॉल इन एडवांस 2,000। ये पॉइंट फिर दोबारा समझाते हो, एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर थे उसने 4 रुपीज एडवांस दे दिए हैं अलॉटमेंट के टाइम, 500 into 2 कितना हो गया 4, 500 into 4 बेटा 2,000, ये हमें एडवांस आ गया टू कॉल इन एडवांस। जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे ना रिसीव वाली, तो उसने कॉल इन एडवांस जो ये क्रेडिट किया वो डेबिट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये 17,00,000 कैसे आया, 20,00,000 आपने ड्यू किया जिसमें से 3,00,000 आपको एडवांस मिल गया था, कब, एप्लीकेशन के टाइम, जो मैंने आपको बताया था 1,00,000 × 3 आप देख भी सकते हैं। तो लिखेंगे बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलोंग विद कॉल मनी ऑन 500 शेयर, 500 शेयर में कॉल मनी भी मिल गई है। अब बात करेंगे बेटा हम किसकी, फर्स्ट कॉल को, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। अब यहां पर कॉल को नाम नहीं दिया हुआ तो हम लिख लीजिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस पॉइंट को समझ लेना कि इसमें क्या हुआ, दो बातें अलग अलग हैं। एक बात तो ये कि एक पर्सन ने दिए नहीं पैसे, चलो पहले ड्यू वाली बताती हूँ वो समझ लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 500,000 शेयर इशू किए, 4 रुपीज जो है आपकी क्या है कॉल मनी है, 500 × 4 20,00,000 ड्यू कर लो पहले, रिसीव करते हुए फिर मैं आपको ये पॉइंट समझाने जा रही हूँ। पहले आप इतना लिख लो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। अब अगली एंट्री जो मैंने आपको करवानी है ना उसका पहले मैं आपको अमाउंट समझाना चाहती हूँ। आपने कितने ड्यू किए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 20,00,000 है ना, 20,00,000। उसमें से आपके एक शेयर होल्डर ने आपको एडवांस दे दिया था जिसके पास 500 शेयर थे 4 रुपीज, क्या वो दोबारा देगा, नहीं देगा ना, तो आप उसको 2,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ आ गया, आ जाएगा लेस एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे उसने 4 रुपीज नहीं दिए, 4,000 रुपीज नहीं दिए, तो वो भी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19,94,000 हमारा बैंक में आएगा अमाउंट। दोबारा समझ लो, 20,00,000 आपने ड्यू कर ली, एक शेयर होल्डर जिसने हमें अलॉटमेंट के टाइम पैसे दिए थे ये वाले जो 2,000 रुपए है जो एडवांस लिए थे वो माइनस हो जाएंगे तो 19,98,000 आ गया। चलो इसने तो एडवांस दिए थे, पर जो दूसरा शेयर होल्डर जिसके 1,000 शेयर थे उसने 4 रुपए नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल होके 4,000, वो माइनस कर देंगे तो बैंक में ये अमाउंट आएगा। अब आप लिखेंगे बेटा कौन सी एंट्री करोगे, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री है वो करेंगे हम, लिखिए जरा अमाउंट बताती हूँ कितना आएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये कॉल इन एडवांस हम क्या करें, एडजस्ट कर रहे हैं, पहले हमें अलॉटमेंट में मिली थी तो हमने उसको क्रेडिट किया था तो अब इसको एडजस्ट करें तो क्या होगी कि डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसको समझ लेना, मैंने अभी आपको समझाया भी है, 19,94,000 आप बैंक में लिख देंगे, 19,94,000 एडवांस कितना है तो वो ये देखिए 2,000, आप यहाँ पे 2,000 लिख देंगे, ठीक है, एड करके लिख दो 19,96,000। ये अमाउंट मैं दोबारा सिखा देती हूँ ये कहाँ से आया। आप इसको समझो 20,00,000 शेयर्स थे, 20,00,000 रुपीज हमने सॉरी ड्यू किए थे इस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, आया क्या नहीं, 4,000 रुपए नहीं आए,
जो एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर है, 4000 नहीं दिए तो 90,96,000 आ गए हैं, जिसमें से 2000 एडवांस आ गए थे तो अब कितने आए होंगे 90,94,000। तो लिखे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। अब हम बात करें बेटा फॉर फ्यूचर की, कंपनी के जो शेयर होल्डर थे जिनके 1000 शेयर थे उन्होंने कॉल मनी नहीं दी तो उस पर्सन के शेयर क्या कर लिए गए हैं, फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैं पूछती बेटा एसपीआर डेबिट करना है, सोचो सिक्योरिटी में रिजर्व किसके साथ था, अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट आ गई है ना, इट मीन प्रीमियम भी आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को अकाउंट, और जो आ गया है वो कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, शेयर्स कितने हैं 1000 जो फॉरफिट किए गए हैं, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, यहां पर लिख रही हूं 1000 × 10 10,000, क्या नहीं आया, 4 रुपीज नहीं आए, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने लिए, 1000 × 4 4000 नहीं आए। इट मीन्स आ क्या गया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन भी 3 अलॉटमेंट भी 3, प्रीमियम नहीं लेना आपने, 6 रुपीज आ गए हैं 6000। तो लिखिए जरा इसकी नरेशन, बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड, 1000 शेयर्स क्या कर दिए गए हैं, फॉरफिट कर दिए गए हैं। अब और क्या कहा गया बेटा, ये कहा गया है कि इनमें से हमने 800 शेयर्स इशू कर दिए 8 रुपए के हिसाब से, 10 वाला शेयर अगर हम 8 रुपए के हिसाब से करेंगे बेटा तो कंपनी को 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से क्या होगा, लॉस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, री इशू की एंट्री करेंगे, लिखिए बेटा री इशू की एंट्री, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोबारा बोल रही हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कंपनी के लिए क्या है बेटा, लॉस है, 10 रुपीज की वैल्यू वाला शेयर कंपनी ने कितने में इशू किया है, 8 रुपीज में, तो 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, और सारे शेयर कंपनी ने इशू नहीं किए। अब आपको बता रही हूं 800 शेयर्स है 10 रुपए वाले, कि ये कितने में है, 800 शेयर 8 रुपीज में इशू किए तो कंपनी को 2 रुपए पर शेयर के पीछे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप लिखिए 6400, फिर 1600 और 8000, क्लियर हो गया। बी 800 शेयर्स री इशू, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लास्ट एंट्री जो हम करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये बात समझने वाली है, मैं बच्चों से पूछती हूँ बेटा क्या स्टेटमेंट बनेगी या नहीं बनेगी, सोचो 1000 शेयर फॉरफिट किए और रीइश्यू 800 हुए, नेचुरल सी बात है बनेगी। तो अब लिखिए वर्किंग नोट में, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स इज इक्वल टू, कितना फायदा हुआ था कंपनी को, आप देख सकते हैं 6000 का, ये मैं कहां से बोल रही हूँ, 6 रुपए आ गए थे, आपने इससे पहले जो एंट्री करी थी 1000 × 6 6000, तो फायदा हो गया कंपनी को। फिर एक शेयर पर कितना होगा 6000/1000, फिर कितने भी इशू किए 800 पर कितना हुआ 6000/1000 × 800 4800 लेस लॉस ऑन री इशू। जब कंपनी ने री इशू किए कंपनी को कितना लॉस हुआ देखो 1600 का, तो जो बैलेंस बच गया 3200 वो हमने सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो लिख दीजिए
3200 being profit on reissue of share transfer to capital reserve. Transfer to capital reserve. Profit on reissued shares. Reissued shares transfer to capital reserve account. क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।